Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट अफेयर्स MCQ सेशन ऑफ 17 अगस्त, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था हु पार्टनर्स विद CWC टू ऑफर स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसने पार्टनरशिप किया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ ताकि वो ऑफर कर सके स्टोरेज फैसिलिटी को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड, उसने पार्टनरशिप किया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CW के साथ ताकि वो नेट फाउंडेशन के साथ मिलकर ऑफर कर सके स्टोरेज फैसिलिटी को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोअर रेट में नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि यह इनहेंस करेगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत जो स्टेट ऑफ आर्ट स्टोरेज फैसिलिटी होगा CWC का, वो एक्सेसिबल कराया जाएगा 5000+ FPO के लिए पूरे भारत में। तो CWC है ऑफर करेंगे 30% डिस्काउंट FPO को, जिसको कि प्रमोट किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, जो यूज कर रहे हैं CWC स्टोरेज स्पेस का 423 वेयर हाउस में पूरे भारत के। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो पार्टनरशिप है नाबार्ड और CWC का, ये मदद करेगा फार्मर्स को मीट करे जो इमीडिएट स्टोरेज रिक्वायरमेंट है उसको क्रॉप वेयर हाउसिंग स्पेस में, साथ साथ प्राइस को ड्रॉप करे ताकि जो सरप्लस सप्लाई हो हार्वेस्ट सीजन में उसको स्टोर किया जा सके। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC, इसको स्टैब्लिश किया गया था वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के माध्यम से। इसके चेयरमैन जो है आतिश चंद्रा है, मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो कि देखता है रेगुलेशन और लाइसेंसिंग को रीजनल रूरल बैंक का, और ये एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है भारत का। इसका ज्यूरिडिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसको फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके चेयरपर्सन हर्ष कुमार बनवाला है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फाइनेंसिंग, प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का भारत में। इसका ज्यूरिडिक्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर लेकिन लखनऊ में है, इसका ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है। फाउंड किया गया था सिडबी को 2 अप्रैल 1990 को। इसके चेयरमैन और MD जो है शिवा एस रमन है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। SBI को फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट MCQ सेशन ऑफ 17 अगस्त। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हु साइन $250 मिलियन लोन एग्रीमेंट अंडर ड्रिप फेज 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसने साइन किया है $250 मिलियन का लोन एग्रीमेंट को ड्रिप फेज 2 के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने साइन किया है $250 मिलियन का लोन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1855 करोड़ रुपीस होता है, वर्ल्ड बैंक के साथ। सेकंड डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है DRIP 2 फेज 2 के लिए, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ये जो एग्रीमेंट है फर्स्ट फेज, DRIP फेज 2 एंड फेज 3 का जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि लैंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, उसके द्वारा। इसका मैच्योरिटी 13 इयर्स का होगा, जिसमें ग्रेस पीरियड दिया गया है 6 ईयर का। ड्रिप फेज 2 जो है ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म नेशनल डैम सेफ्टी प्रोग्राम के लिए, और इंप्रूव करेगा सेफ्टी और परफॉर्मेंस को एग्जिस्टिंग डैम का अक्रॉस वेरियस स्टेट में इंडिया के। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक, इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसके जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर है इंडिया में जुनेद अहमद। IMF इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना गॉर्जिवा है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC US में है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, फॉर्मेशन इसका हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मेंडुलोंग फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट मसासुकु असाकावा है, फॉर्म किया गया था 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु लॉन्चेस क्वेस्ट स्टडी टू अपग्रेड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। किसने लॉन्च किया है क्वेस्ट स्टडी को ताकि अपग्रेड किया जा सके जो क्वालिटी है हेल्थ केयर सिस्टम का भारत में। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी ISRO, ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ISRO। जो डॉक्टर K Sivan, जो कि चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के, उन्होंने फॉर्मली इनोग्रेट कर दिया है हेल्थ क्वेस्ट स्टडी, हेल्थ क्वालिटी अपग्रेडेशन इनेबल्ड बाई स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफ ISRO, ताकि वो अपग्रेड कर सके हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंडर्ड को इंडिया के, ताकि ISRO का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिस है उसको लाया जा सके। ये जो स्टडी टीम है वो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी को रेप्लिकेटिंग ISRO क्वालिटी एक्सेस मैकेनिज्म को, जो कि यूज किया जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडियन हॉस्पिटल पे। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन डॉक्टर के सिवान है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है। नासा के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में है। नासा के फाउंडर जो है जुलाई डी आइजनहोवर, फाउंड किया गया था 29 जुलाई 1958 को। डीआरडीओ को भी फाउंड किया गया था 1958 में, हेडक्वार्टर डीआरडीओ का न्यू दिल्ली पे है। डीआरडीओ के चेयरमैन जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज गोइंग टू इंस्टॉल 200 एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन फॉर फार्मर बेनिफिट, कौन इंस्टॉल करने जा रहे हैं 200 एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को फार्मर के बेनिफिट के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है बीआरओ, ऑप्शन बी एनडीआरएफ, ऑप्शन सी आईएमडी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आईएमडी। प्रोवाइड करने के लिए वेदर फोरकास्ट फार्मर्स को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो तैयार है इंस्टॉल करने के लिए एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को 200 डिस्ट्रिक्ट में एग्रोमेट यूनिट में, जो कि लोकेटेड है आपका कृषि विज्ञान केंद्र पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेटवर्क के माध्यम से। ये जो AWS होगा वो यूज किया जाएगा ऑगमेंट करने के लिए ब्लॉक लेवल एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस को अंदर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम के। तो हम जानेंगे ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम के बारे में भी। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ज्वाइंटली आईएमडी और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, ताकि ये प्रोवाइड करे वेदर बेस्ड क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को, जो कि बेनिफिट करेगा फार्मर्स को। ये मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे, जो कि इसके द्वारा जनरेट किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कुछ फैक्ट को, तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है। फाउंड किया गया इसको 7 मई 1960 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको फाउंड किया गया था 2006 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो एसएन प्रधान है। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको फाउंड किया गया था 1875 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी जो है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Who constructed world highest road in Ladakh at 19,300 feet altitude? किसने कंस्ट्रक्ट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड को लद्दाख में 19,300 फीट के एल्टीट्यूड पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है बीआरओ, ऑप्शन बी रेल, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बीआरओ। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है बीआरओ, उसने कंस्ट्रक्ट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट 52 किलोमीटर लॉन्ग टेरमेक रोड और मोटरेबल पास को यूमिलंग लापास इन ईस्टर्न लद्दाख में, जो कि आपका एल्टीट्यूड 19,300 फीट पे है। ये सरपास कर दिया जो रिकॉर्ड था पहले बोलिविया साउथ अमेरिका के रोड का, उसका 18,953 का था, जो कि कनेक्ट कर रहा था वोल्केनिक उटुरुंसु को, उसको इसने सरपास कर दिया। मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड है आपका, ये आपका उमिलंग लापास में ईस्टर्न लद्दाख में, जो कि आपका एल्टीट्यूड 19,300 फीट पर सिचुएटेड है। ये 52 किलोमीटर लॉन्ग है, टारमेक और मोटोरेबल पास है। ये जो रेट है ये इनहेंस कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को, प्रमोट करेगा टूरिज्म को लद्दाख में। ये जो रोड है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एल्टीट्यूड में जो कि हायर है बेस कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट से। तो नॉर्थ बेस से तिब्बत में वो 16,900 फीट है, जबकि साउथ बेस जो है वो 17,598 फीट है नेपाल में। ये जो है एल्टीट्यूड जो है सियाचिन ग्लेशियर का, जो कि 17,700 फीट है। कार्डुआ लापास का लेप है लद्दाख, जिसका एल्टीट्यूड 17,582 फीट का है। ये कनेक्ट कर रहा है इम्पोर्टेंट टाउन को, चुनार सेक्टर को ईस्टर्न लद्दाख के। ये ऑफर करेगा अल्टरनेट और डायरेक्ट रूट को, जो कि कनेक्ट करेगा शिशुमले और डेमचौक को लेफ्ट से। बीआरओ देश के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव टॉटली, इसको फाउंड किया गया था 7 मई 1960 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। रिल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके सीईओ मुकेश अंबानी है, फाउंडर धीरू भाई अंबानी, फाउंड किया गया था 8 मई 1973 पे। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, इसको फाउंड किया गया था 19 जनवरी 1954 में, इसके सीईओ सोमा मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु साइन मऊ विद यूपीईडीए टू इन्वेस्ट इन यूपी डिफेंस कॉरिडोर, किसने साइन किया मऊ को यूपीईआईडीए के साथ ताकि वो इन्वेस्ट कर सके यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है भेल, ऑप्शन बी एचएल, ऑप्शन सी बीडीएल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बीडीएल। तो भारत डायनेमिक लिमिटेड है बीडीएल, इसने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यूपीईडीए उसके साथ, ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। ये जो फैसिलिटी है उसको यूज किया जाएगा मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम को, जिसको कि यूज किया जाएगा वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल्स के लिए, जिसको कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बीडीएल के द्वारा। बीडीएल इन्वेस्ट करेंगे 400 करोड़ रुपीस झांसी नोड ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे, इसके लिए मऊ साइन किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल, इसके सीएमडी जो है कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा है, ये रिटायर्ड है। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीईडा, इसके सीईओ जो है अवनीश कुमार अवस्थी है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है। इसके सीईओ नलिन सिंघल है, इसको फाउंड किया गया था 1964 में। हेल एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में, इसको फाउंडर वालसन हीराचंद, फाउंड किया गया था 23 दिसंबर 1940 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट सीएम लॉन्च इंडिया फर्स्ट डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला डोर स्टेप हेल्थ केयर स्कीम को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंडिया का जो पहला जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है एम के स्टैलिन, उन्होंने लॉन्च किया है मकाली तेरी मरुटुवम स्कीम को, जो कि हेल्थ केयर सर्विस एट पीपल डोर स्टेप हेल्थ केयर किशन गरीब के लिए है, जो डिलीवर करेगा मेडिकल सर्विस को पीपल के डोर स्टेप में। तो इंडिया में पहला जो है तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। ये स्कीम का नाम डायरेक्ट लिख के भी पूछा जा सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एलिमिनेट करेगा जो नीड फॉर पेशेंट को जरूरत पड़ता था हॉस्पिटल को विजिट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, उसको ये एलिमिनेट करेगा। टोटल 250 करोड़ रुपीस जो है उसको एलोकेट किया गया इस स्कीम के लिए। जो पहला फेस होगा इस स्कीम का वो कवर करेगा 1122 हेल्थ सब सेंटर को, 189 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को और 50 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को, 50 यूनिवर्सल कवरेज ब्लॉक को अक्रॉस तमिलनाडु के। इसको एक्सटेंड किया जाएगा इंटायर स्टेट के लिए 2021 के एंड तक। जो प्रोग्राम है वो फोकस करा है कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन के ऊपर, ताकि इंप्रूव किया जा सके कंपायरन को और डिजीज कंट्रोल को तमिलनाडु पे। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु लॉन्चेस पानी मास कैंपेन टू इम्प्लीमेंट जल जीवन मिशन इन लद्दाख, किसने लॉन्च किया पानी मास कैंपेन को ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके जल जीवन मिशन को लद्दाख में। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर के माथुर, ऑप्शन बी मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी एडमायरल जी के जोशी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर के माथुर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के आर के माथुर, उन्होंने लॉन्च किया एक मंथ लॉन्ग कैंपेन जिसका नाम है पानी मा वाटर मंथ, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन को जल जीवन मिशन का, जो कि इन्फॉर्म किया गया और इंगेज करेगा विलेज कम्युनिटी को इंपॉर्टेंस को लेकर क्लीन वाटर का यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख पे। ये जो कैंपेन है वो दो फेज में है, एक ब्लॉक और दूसरा पंचायत लेवल पे। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 15, 2019 में। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये इनवाइजेट करता है कि सप्लाई ऑफ 55 लीटर वाटर का पर पर्सन पर डे हर एक हाउस होल्ड पे फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से 2024 तक। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रहलाद सिंह पाटिल और विश्वेश्वर टुडू। मनोज सिन्हा, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। एडमायरल जी के जोशी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 8 आई मीन, हु अपॉइंटेड एज हिमाचल प्रदेश चीफ सेक्रेटरी, किनको अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनिल कुमार काची, ऑप्शन बी जयराम ठाकुर, ऑप्शन सी राम सुभग सिंह, ऑप्शन डी नानावतीश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राम सुभग सिंह। जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट किया है राम सुभग सिंह को चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में, जो कि सीनियर मोस्ट कैडर पोस्ट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। वो रिप्लेस कर रहे हैं अनिल कुमार कोची को, यानी इसके पहले जो थे वो अनिल कुमार कोची थे इस पोजीशन पे। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु ऑथर अ न्यू बुक टाइटल द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ ए डेड स्टार्टअप, किसने ऑथर किया नया बुक जिसका टाइटल है द बायोग्राफी ऑफ ए फेल्ड वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम द ब्लैक बॉक्स ऑफ ए डेड स्टार्टअप को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम संपत, ऑप्शन बी प्रशांत देसाई, ऑप्शन सी शकूर राठेर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत देसाई। जो फाउंडर है डेफी इंडिया के पहले स्पोर्ट्स ब्रांड के प्रशांत देसाई, उन्होंने ऑथर किया नया बुक जिसका टाइटल है द बायोग्राफी ऑफ फेल्ड वेंचर डिकोडिंग सक्सेस सीक्रेट फ्रॉम ब्लैक बॉक्स ऑफ ए डेड स्टार्टअप। इस बुक को पब्लिश किया गया हार्पर कॉलेज पब्लिशर इंडिया के द्वारा। विक्रम संपत, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, तो ये डेकोरेटेड हिस्टोरियन और ऑथर है विक्रम संपत, जिन्होंने सेकंड और कंक्लूडिंग वॉल्यूम लिखा है अपना बुक का, जिसका टाइटल है सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 to 1966। शाकूर राठर, इनके द्वारा ऑथर के बुक का टाइटल है लाइफ इन क्लॉक टावर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु विन्स FIDE फिड वर्ल्ड कप 2021, किसने जीता है जो फिड वर्ल्ड कप है 2021 का। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैन क्रिस्टोप डूडा, ऑप्शन बी सर्गी करजकिन, ऑप्शन सी आर्केडी ड्वारकोविच, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जैन क्रिस्टोप डूडा। जो जैन क्रिस्टोप डूडा है पोलैंड के, उन्होंने हटाया है सर्जी क्रेस्टिक को रशिया का, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। इनको हरा के उन्होंने जीता है जो 9th एडिशन था फीडे इंटरनेशनल टेस्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2021 का, यानी ये चेस टूर्नामेंट के लिए होता है। फीडे वर्ल्ड कप 2021 जो था वो आपका हुआ था सोची रशिया पे, तो कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। जो ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के, उन्होंने फर्स्ट किया था तीसरे पोजीशन में इस वर्ल्ड कप के, डिफीट करते हुए जीएम ब्लेडिर फेदोसेव को, जो टॉप फिनिशर थे इस टूर्नामेंट के, तो वो आपके जैन क्रिसिक ऑफ डूडा और सर्गी कजेकिन थे। अब हम कुछ फैक्ट को देख रहे हैं। तो फीडे इंटरनेशनल टेट फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट जो है अर्केडी टोरकोविच है, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉसवेनेस स्विट्जरलैंड पे है। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। यूरो स्पोर्ट इंडिया साइन विच एक्टर एज इंडिया एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने साइन किया किस एक्टर को इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर मोटो जीपी के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्षय कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी जॉन अब्राहम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।